नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए एक बेहतरीन जबरदस्त घरेलू नुस्खा लेकर आई हूँ। आप लोग को तो पता ही होगा कि अभी मौसम चेंज हो रहा है, यानी गर्मी के मौसम से बरसात का मौसम शुरू हो गया है। और इस बरसात के मौसम में हमारे घर में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, अक्सर वो बारिश में भीग जाते हैं और भीग जाने के वजह से उनको सर्दी जुकाम हो जाता है। छोटे छोटे बच्चों की तो बात छोड़ दीजिए, यहाँ पर हमारे घर में बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उनको भी सर्दी जुकाम हो जाता है। बरसात में आप भीगे या ना भीगे, जो मौसम चेंज हो रहा है उसके वजह से सर्दी जुकाम अक्सर हो ही जाता है। जब हमारे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको सर्दी जुकाम हो जाता है तो माँ लोग कितने परेशान हो जाते हैं। घर के काम, किचन के काम संभालते हुए अपने बच्चों का भी देखभाल करना पड़ता है। तो इस सर्दी जुकाम से जल्द छुटकारा पाने के लिए क्या उपाय है, इस उपाय के बारे में आज मैं आप लोग को बताऊंगी। आप यहाँ पे देख सकती हैं, टेबल पर एक प्लेट है। इस प्लेट में एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है। और यहाँ पे देखिए, मैं एक कटोरी ली हूँ और एक गिलास में मैं थोड़ा पानी ली हूँ। आप यहाँ पे देख सकती हैं, मैं सिर्फ एक बच्चे के लिए बना रही हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा गुड़ ली हूँ और थोड़ा अदरक। अगर आप एक से ज़्यादा लोग के लिए बना रही हैं तो ज़्यादा गुड़ लीजिए और ज़्यादा अदरक आप अपने अनुसार ले सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं गुड़ को तोड़ के कटोरी में डालूंगी। यहाँ पर हमारा गुड़ जो है बहुत सॉफ्ट है, अगर आपका गुड़ टाइट है तो आप उसको कूट के कटोरी में डाल दीजिए। ये जो अदरक है तो 1 इंच का टुकड़ा, लेकिन मैं इसमें से थोड़ा सा लूँगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसका छिलका उतार लेती हूँ और छिलका उतार के मैं इसको बेलन से अच्छे प्रकार से कूट लेती हूँ। कूट के देखिए मैं कटोरी में डाल दी हूँ। अब मैं इसमें पानी डालूंगी 2 चम्मच, ज्यादा पानी नहीं डालना है, इतना डाल दीजिए 2 चम्मच कि आपके गुड़ अदरक जो है अच्छे प्रकार से पक सके। तो देखिए, मैं तीनों को मिला दी हूँ। अब मैं इसको गैस पे रखूंगी पकने के लिए। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, मैं कटोरी को गैस पे रख दी हूँ। अब मैं गैस को ऑन करूंगी, मात्र मुझे 2 मिनट लगेगा अच्छे प्रकार से इसको पकाने में। तो देखिए, पक रहा है, कितने अच्छे से उबाल आ रही है इसमें, और जितना अदरक का रस है गुड़ में आकर अच्छे से मिक्स हो जाएगा और जो मैं 2 चम्मच पानी डाली हूँ वो पूरी तरह से जल जाएगा। हमारा गुड़ अदरक जो है जब गढ़ा हो जाए तब मैं इसको गैस से नीचे उतारूंगी। तो आप यहाँ पे देख सकती हैं, गुड़ अदरक का मिश्रण बन के तैयार हो गया है। अब मैं इसको गैस से नीचे उतार लेती हूँ। देखिए, मैं चम्मच से आपको दिखा रही हूँ, ये बहुत अच्छे से गढ़ा हो गया है। इसमें जो मैं 2 चम्मच पानी डाली थी वो जल गया है, बस इसमें गुड़ अदरक का जूस बचा हुआ है। तो देखिए, एक ही बार में इसको चाटना नहीं है, इसको चम्मच में लेके फूकते हुए धीरे धीरे इसको चाटना है। लेकिन एक बात का आप खास ध्यान रखिएगा, इसको चाटने के बाद पानी आपको कम से कम 2 घंटे तक नहीं पीना है। इसलिए मैं आपको ये बता दूं कि आप इसको रात में ही सेवन करें। जब आप खाना खा लेती हैं, पानी पीकर सोने की तैयारी करती हैं, उस टाइम आप इसको बना करके अपने बच्चों को चटा सकती हैं, अपने के लिए खुद सेवन कर सकती हैं। जिसको भी सर्दी जुकाम हुआ है उन सबके लिए एक घरेलू नुस्खा है। मैं आपसे बता रही हूँ गारंटी के साथ, मैं इसको बहुत सालों से इस्तेमाल कर रही हूँ। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ये सर्दी जुकाम हो जाती है तो मैं इसी प्रकार से रात में उनको सेवन करा देती हूँ। अगर वो ज़्यादा जकड़न उनको है सर्दी जुकाम, तो मैं उन लोगों को सुबह जब स्कूल के लिए तैयार करके भेजती हूँ नाश्ता करा के, तब मैं बना करके उनको थोड़ा से फूक फूक के चटा देती हूँ। मैं आपको ये किताबी कहानी नहीं बता रही हूँ, मैं हकीकत में बता रही हूँ। मैं अपने घर में बहुत सालों से इसका इस्तेमाल करती हूँ और देखिएगा, मैं गारंटी से कह रही हूँ, आपके बच्चों का और आपके घर में अगर सर्दी जुकाम किसी को हुआ है तो देखिएगा, सिर्फ 2 दिन आप इसको इस्तेमाल करती हैं तो आपके सर्दी जुकाम झटपट गायब हो जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आया तो। हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी प्रकार से अगली वीडियो में मिलूंगी एक नई टिप्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।